बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरी से होंगे। अच्छा, मैं आज आपके सामने एक नेक्स्ट नई वीडियो लेके आया हूँ। ये मेरे पास एक सिस्टम है HP का, कोड रिव्यू सिस्टम है। तो काफ़ी व्यूअर्स के भी मेरे चैनल पे कमेंट्स आए हुए थे कि ये एक एरर है जो आपकी स्क्रीन पर मैंशन हुआ है। इस वक्त HP का सिस्टम है, ज़्यादातर ये HP के सिस्टम में ये एरर आ रहा है। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे, तो मैं आज आपको बेसिकली प्रॉब्लम ये एरर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। HP का सिस्टम है ये डेस्कटॉप में। जब भी आप सिस्टम को ऑन करें, हार्ड ड्राइव ओके है, हार्ड ड्राइव के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका होगा। लेकिन जैसे ही हार्ड ड्राइव HP को लॉगो आता है, जैसे ही सिस्टम ऑपरेट होके विंडो की तरफ जाता है, तो विंडो से पहले ये एरर आता है और ये स्टिल एरर इसी तरह रहता है। इसमें समटाइम check 1 भी आता है और check 2 अभी जो आपके सामने है, और check 3 भी किसी टाइम में आ जाता है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम किस जगह पे है और इसका हल क्या है, यह मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आपने सिस्टम को ऑफ करना है। वैसे कुछ लोग यूज़र ये भी समझते हैं जी कि शायद ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहा हार्ड ड्राइव में, तो वो नई विंडो को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, या कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम है जिसके से वो सिस्टम खोल के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा फॉल्ट है जो आपके सामने है। मैं अभी इसका सोल्यूशन बताऊँगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। आपने सिस्टम को ऑफ करना है। सिस्टम को ऑफ करके आपने सिस्टम को फिर दोबारा ऑन किया, और HP का जो बायस है, बायस के अंदर जाने के लिए जो इसकी F10 की कमांड है, आप उसको प्रेस करें और इसके बायस के अंदर जाएं। तो यहाँ से इसके लैंग्वेज को सिलेक्ट करें। ये तो आपको पता ही है कि सिस्टम ने इंफॉर्मेशन है। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है वो इसकी बूट ऑर्डर है और हार्डवेयर में क्या इंस्टॉल हुआ वो चीज़ है। आपने सबसे लास्ट ऑप्शन पर जाना है, एडवांस्ड में। एडवांस पे आप क्लिक करें। सबसे तो पहला ऑप्शन है पावर ऑन ऑप्शन, आपने इसको नहीं क्लिक करना। आपने इस पे आके ऑप्शन को जिस पे लिखा हुआ है बस ऑप्शन, आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके सामने दो एरर आ रहे हैं, PCI SE RR जनरेशन और PCI VGA Prelate Snooping। इसमें पहला ऑप्शन आपका अनेबल हुआ हुआ है और दूसरा डिसेबल हुआ हुआ है। आपने पहले वाले ऑप्शन को भी आपने डिसेबल कर देना है। आपने यहाँ से इसको डिसेबल किया, सेटिंग को सेव करने के लिए आपने F10 को प्रेस किया, तो ये आपकी सेटिंग सेव हो चुकी है। उसके बाद आपने और कुछ भी नहीं करना, और यहाँ से इसको सेटिंग को सेव कर रहे हैं, दोबारा से एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद आपसे F10 मांगेगा मजीद सेटिंग को सेव करने के लिए, तो यहाँ से इसकी सेटिंग को सेव करें। ये आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा। तो ये देखिए, आपका एरर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब डायरेक्ट विंडो बूट हो रही है और विंडो के अंदर आपका सिस्टम जा रहा है। तो प्रॉब्लम सिर्फ यही थी कि बायोस के अंदर सिर्फ एक ऑप्शन था, उसको आपने डिसेबल किया, तो आपका जो मसला है वो रिजॉल्व हो गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के आपके साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जो है दीजिए, अल्लाह हाफिज़।